स्वागत है आप सभी का फाइन आर्ट वाला में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन छात्रों के लिए जिन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम दिया। आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो फाइन आर्ट्स का थ्योरी हुआ उसका आंसर की बताने वाले हैं। तो आप अपने पेपर से मिलान करें कि कितना आपने आंसर सही किया है और कितना गलत किया है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पे ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिए गए क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है, और आप अपने साथ अपना पेपर ले लें। बुकलेट सीरीज सी है और जो आपका क्वेश्चन होगा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर आपका बुकलेट सीरीज ए हो या बी हो, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो बस ऊपर नीचे होगा, तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है, जो कि इसका एग्जाम 10 अगस्त को हुआ था, और जो टाइमिंग थी थ्योरी एग्जाम का 2 घंटे का टाइमिंग था, और कितने नंबर का थ्योरी था तो 200 नंबर का। कितने क्वेश्चन आए हुए थे तो 100 क्वेश्चन आए थे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, एक चित्र में प्राण आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि लय से। एक चित्र में प्राण आता है किससे, तो लय से। जो दूसरा क्वेश्चन है, वाट्समैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल रंग से। क्वेश्चन नंबर 3, जल रंग से चित्रण के लिए किस ब्रश का प्रयोग अधिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेबल हेयर। क्वेश्चन नंबर 4, गोथिक कला का प्रमुख चित्रकार इनमें से कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियोटा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से बारोक कला के कलाकार को बताइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजिलो। क्वेश्चन नंबर 6, अल्तामीरा की गुफा चित्र किस देश में है, तो अल्तामीरा की जो गुफा है वो उत्तरी स्पेन में है, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से प्रभाववाद के चित्रकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोनेट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन घनवादी चित्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिकासो। काफी फेमस आर्टिस्ट हैं, घनवाद के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मछली के आकार की आंखों का चित्रण किस कला शैली की विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धरातल। बिना धरातल का हम कोई भी आर्टवर्क नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, यू क्या है, तो यू जो है कि वर्ण का गुण है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मोनोक्रोम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक ही रंग की विभिन्न तान, यानी कि एक ही कलर के कई टोन, उसको बोलते हैं मोनोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 14, एक्शन पेंटिंग का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में एक्शन पेंटिंग की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की गुफाओं का आकार क्या है, अगर अजंता की बात की जाए तो अजंता में 30 गुफाएं हैं, और इसका जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल शैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, तो इस ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर सही होगा मंसूर, क्योंकि मंसूर एक ऐसा कलाकार था मुगल शैली का जो कि पक्षी का बहुत ही बेहतर ढंग से चित्रण करता था, और एक इनका एक फेमस चित्र है बाज पक्षी विश्रामी पर, जो कि मंसूर द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिला। शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो किस पे पेंटिंग बनाते थे, तो स्टोन पे, शिला यानी कि पत्थर पे वो लोग पेंटिंग बनाया करते। क्वेश्चन नंबर 17, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या थी, तो अजंता में जो भी चित्र बनाए गए हैं उसका जो चित्रण का विधि रहा है फ्रेस्को तकनीकी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, चित्र बनाने के लिए
आदिमानव किस रंग का प्रयोग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेरू रंग का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं और इसी एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, शीतनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो बात की जा रही है शीतनवासल गुफा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी के किनारे शीतनवासल की गुफाएं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा राय कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 21, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राय कृष्णदास। और ये भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है? तो ये बनारस में और BHU कैंपस के अंदर भारत कला भवन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, अजंता के भित्ति चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्यन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई। तो इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहां पे हुई थी, किस देश में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं और भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, भारतवर्ष में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई? यानी कि भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ पे हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, यूनानी कला का प्रमुख केंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेन। क्वेश्चन नंबर 27, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आईने अकबरी के रचयिता जो है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा निहाल चंद। और जो राधा बनी ठनी जो पेंटिंग जिस आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है उनका नाम है निहाल चंद। और किशनगढ़ की सबसे फेमस पेंटिंग रही राधा बनी ठनी, जिनके चित्रकार है निहाल चंद। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी कला शैली धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो कंपनी शैली जो है कि किसी धर्म से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, स्तूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग स्तूप भी देखे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोल टीले के आकार की रचना। क्वेश्चन नंबर 31, दृश्य चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज चित्रकार है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टर्नर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत माता नामक पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो सबसे पहले अगर भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी तो 1905 में, और किस आर्टिस्ट ने बनाया था 1905 में, उस आर्टिस्ट का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने जो भारत माता जो पेंटिंग है इसको वास टेक्निक में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 33, ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? तो ढोला मारू विशेष संबंधित चित्र किस शैली से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 34, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुफा संख्या एक में। क्वेश्चन नंबर 35, ओपेक किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपारदर्शी को। क्वेश्चन नंबर 36, ईजल क्या है? तो ईजल, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्र बनाते समय आधार के लिए टेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? तो दृश्य कला में आपका आता है मूर्तिकला, चित्रकला, रेखांकन।
तो ये कौन सा अंग नहीं है दृश्य कला का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थिएटर। क्वेश्चन नंबर 38, जयमंगला किस ग्रंथ की टीका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामसूत्र। क्वेश्चन नंबर 39, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो इनमें से सबसे फेमस म्यूरल आर्टिस्ट कौन है? तो उनका नाम है सतीश गुजरा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से होगा, सतीश गुजरा। क्वेश्चन नंबर 40, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र के रूप में किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैशन तकनीक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगति चित्र संयोजन का तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ है सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 43, वास पेंटिंग का माध्यम क्या है? तो वास पेंटिंग का जो माध्यम होता है ऑप्शन नंबर बी से होगा, पानी। क्वेश्चन नंबर 44, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो ये तो काफी फेमस पेंटिंग है और इसके आर्टिस्ट का नाम आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 45, पंचमणि में मानव आकृति किस आकार में प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डमरूनुमा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का जो विख्यात मंदिर है वो है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से फाववाद चित्रकार को बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मातिस। क्वेश्चन नंबर 48, स्क्वीजी का प्रयोग किस कला में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीन प्रिंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 49, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आयु में चित्रण कार्य प्रारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50, के एच आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नग्न चित्रण के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 51, मॉडर्न आर्ट गैलरी किस शहर में है? तो मॉडर्न जो आर्ट गैलरी है वो ऑप्शन नंबर इसका बी से होगा, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चित्रकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि दोनों में से क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, उस युग की चित्र शैली की कौन सी विशिष्ट विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, ज्यामितीय पैटर्न का प्रधानता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ग्राफिक कला किस क्षेत्र में आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक कला के अंतर्गत ग्राफिक कला आती है। क्वेश्चन नंबर 56, मोहनजोदाड़ो काल की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांसा। क्वेश्चन नंबर 57, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 58, उस नेता का नाम बताइए जो कार्टूनिस्ट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 59, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका जो राइट आंसर होगा, कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के अधिकतर गिरजाघरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोथिक। क्वेश्चन नंबर 61,
रविंद्रनाथ टैगोर किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शांति निकेतन। क्वेश्चन नंबर 62, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जिसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 63, अपने सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के हैबर। के हैबर जो कि अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो सबसे अधिक चित्र मिले हुए आखेट के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित रंगों में अग्रगामी रंग कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल और पीला। क्वेश्चन नंबर 66, बुक कवर जैकेट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बुक का बाह्य कवर। क्वेश्चन नंबर 67, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 68, भाव कला को क्या देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 69, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रस्किन। इनका जो कथन है कि कला एक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 70, कला किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा का शब्द है कला। क्वेश्चन नंबर 71, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी जो लोक कला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 72, प्रस्तुतीकरण किस कला का आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दादावाद। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय षडंग के सूत्राधार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के काल में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के शासनकाल में, जो कि स्याह कलम का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 75, होली फैमिली का चित्रकार कौन है? तो जो होली फैमिली जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट का नाम क्या है? माइकल एंजेलो। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, भावेश सान्याल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ये एक चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 77, रौद्र रस का रंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 78, गर्म रंग कौन है? तो इनमें देखा जाए तो गर्म रंग नारंगी भी है, रेड भी है और पीला भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 80, चैत्य को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चैत्य, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूजा घर। क्वेश्चन नंबर 81, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है उसका आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ण क्या है? तो वर्ण प्रकाश का गुण है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जहांगीर के समय। क्वेश्चन नंबर 84, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 85, अंतराल क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलाकार का कार्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 86, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा, तान यानी कि टोन। रंग के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तान। क्वेश्चन नंबर 87, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, स्पर्श ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 88, लोक कला क्या है? तो लोक कला परंपरागत कला जन साधारण द्वारा निर्मित, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोक कला क्या है? तो परंपरागत कला जन साधारण द्वारा निर्मित। क्वेश्चन नंबर 89, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंद मिले खनिज रंग। क्वेश्चन नंबर 90, सुंदर हस्तलेखन को कला के किस खंड में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 91, कागज के टुकड़ों से बनाए जाने वाले चित्र को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोलाज। क्वेश्चन नंबर 92, बामियान की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 93, जहांगीर कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 94, मारियो मिरांडा कौन है? तो मारियो मिरांडा एक कार्टूनिस्ट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्टूनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 96, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद। क्वेश्चन नंबर 97, दृश्य कला में अंतराल से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 98, फड़ संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजस्थानी लोक कला से संबंधित है फड़। क्वेश्चन नंबर 99, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 100, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। इस पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का कितना सही रहा और कितना गलत रहा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पे ला सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।